मोदी मोदी और इंडिया इंडिया में छिड़ गया घमासान लड़ाई। बता दें कि मणिपुर में पिछले ढाई महीने से हिंसा का दौर जारी है, जिसे ना तो राज्य सरकार रोक पाई है और ना ही केंद्र सरकार। इस बीच सांसद में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। 3 मई से मणिपुर में जारी हिंसा का असर संसद के मानसून सत्र पर भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष बुधवार 26 जुलाई को संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है, जिस पर चर्चा की तारीख आनी बाकी है। बताते कि गौरतलब है 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया था, जो आज भी जारी है। इस बीच राज्यसभा में मोदी मोदी और इंडिया इंडिया के नारे सुनाई दिए। दरअसल अब जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की विदेश नीति में न्यूनतम विकास पर बयान दे रहे थे, तो एनडीए सांसदों ने राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। एनडीए की इस नारेबाजी का मुकाबला करने के लिए भारत इंडिया गठबंधन के साथ और सांसद एनडीए इंडिया का जाप करना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया इंडिया उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। इस दौरान सांसद में खूब हंगामा देखा गया। हालांकि इस हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर लोकसभा की कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।